चयन मुक्त करने की धमकी देते हैं। हिटलर शाही चल रही है, हिटलर शाही में हमारी तमाम सेविका सहायिका को वो चयन मुक्त कर दें। हमारा बाल बच्चा भूख से तड़पता है, मरता है, चिल्लाती हुई धूप में रोड पर आकर के उनसे अपनी पांच सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए कह रहे हैं। 2024 में इनकी कुर्सी को घसीट करके इनके पास से हटा दे, इन सरकार खोलेगा नहीं तो होगा चक्का जाम। नीतीश मोदी हाय हाय, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, लाल साड़ी करे पुकार अपना सहेने अत्याचार। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो राजधानी पटना की सड़क जो है वो आंगनबाड़ी सेविकाओं से भर चुकी है। सदन से लेकर सड़क तक इनका हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ बिहार विधानसभा के बाहर आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रदर्शन जो है वो चल रहा था। अब इसके बाद राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर हजारों की संख्या में सेविकाएं जो है वो इकट्ठा हो चुकी हैं अपनी मांगों को लेकर, ये यहाँ पर बैठी हैं। और ऐसे में जो आंगनबाड़ी सेविका है और जो पुलिस प्रशासन है उनके बीच में झड़प भी देखने को मिली है। तो नज़ारा देखिए किस तरीके से राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर जो आंगनबाड़ी सेविका है वो हजारों की संख्या में इकट्ठा हो गई है और रह रहे के रण क्षेत्र में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। आंगनबाड़ी सेविका जो है वो यहाँ पर धरने पर बैठी हुई है और आप देख सकते हैं चारों ओर सिर्फ आंगनबाड़ी सेविकाएं ही नजर आ रही है। इनकी मांग है पांच सूत्री मांगों को लेकर ये यहाँ पर आई हैं। मांगे क्या क्या हैं वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस वक्त हम आपको बता दें कि बलपूर्वक दोनों ही तरफ से कोशिशें की जा रही है, जहाँ पुलिस एक तरफ मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ से जो महिलाएं हैं वो उठ जाए। जिस तरीके से यहाँ का पूरा यातायात, पटना का डाक बंगला चौराहा पटना का दिल कहा जाता है और चारों तरफ से गाड़ियों का आवागमन होता है और ऐसे आवाजाही में बड़ी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो पुलिस भी काफ़ी देर से समझाने की कोशिश कर रही है इन्हें, लेकिन जो आंगनबाड़ी सेविका है वो मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में लाठी चार्ज भी पुलिस और आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच देखा गया। जो आंगनबाड़ी सेविका है उन्होंने भी पुलिस के साथ हाथापाई की और पुलिस भी जो है वो इन पर बलपूर्वक लाठी का प्रयोग कर रही है। आंगनबाड़ी सेविकाओं में भी गुस्सा आक्रोश जो है वो जमकर देखा जा रहा है। वहीं पांच सूत्री मांगों में से है इनका कि प्रोत्साहन राशि इन्हें 10,000 मिलनी चाहिए, वहीं 18,000 से 25,000 इनका मानदेय जो है वो तय करना चाहिए। ऐसे में इसी मांग को लेकर 29 दिसंबर से ही आंगनबाड़ी सेविका लगातार धरना कर रही है। ऐसे में भारी संख्या में जो आंगनबाड़ी सेविका है वो यहाँ पर मौजूद है। इनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे आप लोग जिस तरीके से सरकार की तरफ से आप लोगों को आदेश जारी किया गया है कि काम पर वापस लौटिए नहीं तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हम लोग वापस नहीं लड़े, दर्जा सरकारीकरण करना होगा, वेतन देना होगा, तभी हम लोग लौटेंगे। हम नहीं, हाँ बैठेंगे हम लोग, हम लोग का दर्जा नहीं मिला नौकरी से आप लोगों को हाथ धो देंगे। हम लोग का वेतनमान करना है, वेतनमान कीजिए, उनका मर्जी है, उनका जी है। हाँ, उन नीतीश कुमार की मर्जी है, वो जो करेंगे जो करेंगे, बाकी हम लोग वेतनमान मांग रहे हैं कि हम लोग हक मांग रहे हैं। चार घंटा के बोल रहे हैं कि सेविका कि 4 घंटा सेविका काम कर रही है, 4 घंटा सेविका काम नहीं कर रही है, 24 घंटा काम करती है। 5,000 के नौकरी में हम लोग बाल बच्चा को कैसे पोसेंगे पालेंगे? एक मजदूर है वो भी 500 रुपया ले रहा है मजदूरी, हम लोग प्रतिदिन 175 रुपया के अथी काम कर रहे हैं, 175 रुपया हम लोग के अथी है, तो हम लोग वेतनमान दर्ज कर रहे हैं। वेतनमान तो अगर आप लोग काम पर वापस नहीं लौट रहे तो नौकरी गंवानी पड़ जाएगी आपको। ये नौकरी थोड़े ना है, वो तो खुद कहते हैं हमारे सरकार जो नीतीश कुमार हैं वो खुद कहते हैं, हमारे समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी हैं वो खुद कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, और हम समाज सेवी हैं और हम समाज सेवी होने के बाद मतलब हम समाज सेवी हैं तो स्वयं से काम करेंगे, लेकिन हमसे 78 गो काम लिया जाता है, उनका
काम जो है वो कैसे चलेगा। हम सारी सेविका को, पूरे बिहार की सेविका को चयन मुक्त कर देंगे, चयन मुक्त करने की धमकी देते हैं। हिटलर शाही चल रही है, तो ये लोकतंत्र है और हिटलर शाही चल रही है। हिटलर शाही में हमारी तमाम सेविका सहायिका को वो चयन मुक्त कर दें। ऐसे भी हमारा बाल बच्चा भूख से तड़पता है, मरता है, हमारा पेट उस कमाई से नहीं भरता है, तब तो हम इस चिलचिलाती हुई धूप में रोड पर आकर के उनसे अपनी पांच सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अगर सरकार सड़कों पर आने के बाद भी आप लोगों की नहीं सुनती है तो ऐसे में फिर आप लोग क्या कदम उठाएंगे? हम लोग का हड़ताल चलता रहेगा और 2024 में इनकी कुर्सी को घसीट करके इनके पास से हटा दिया। हम लोग नारा भी लगाते हैं, नीतीश कुमार खोलो का नहीं तो होगा चक्का जाम। अब चक्का जाम करेंगे, आर या पार की लड़ाई हम तमाम सेविका और सहायिकाओं ने मन बना लिया है कि हम सरकार से दो दो हाथ करने के लिए लड़ेंगे। इन सरकार खोले का नहीं तो होगा चक्का जाम, सरकार खोले का नहीं तो होगा चक्का जाम। मोदी सरकार हाय हाय, नीतीश मोदी हाय हाय, नीतीश मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय। मांदे नहीं वेतन दो, वेतन दो वेतन दो, मांदे नहीं वेतन दो, वेतन दो वेतन दो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, लाल साड़ी करे पुकार हम न करेंगे अत्याचार, लाल साड़ी करे पुकार हम न सहेंगे अत्याचार। तो देखिए आंगनवाड़ी की जितनी सेविकाएं हैं वो सड़कों पर उतर आई है, वेतन इनका तय किया जाना चाहिए, इनकी मांगे है पांच सूत्री मांगों को लेकर लगातार सुबह से ही सड़कों पर नजर आ रही हैं आंगनवाड़ी सेविका। ऐसे में देखने वाली बात होगी आखिर इनका प्रदर्शन जो है वो कब खत्म होता है, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर जो आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो इकट्ठा हो गई है।